उत्तराखंड में कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हरिद्वार, लक्सर, बरेली समेत कई स्टेशन ऐसे हैं जिन्हें उड़ाने की धमकी मिली। इस मामले में रुड़की के स्टेशन अधीक्षक को ये खत मिला है जिसमें जैश ए मोहम्मद की तरफ से धमकी दी गई है, हाई अलर्ट पर है। अब पुलिस प्रशासन और रेलवे स्टेशनों को लेकर अब हाई अलर्ट घोषित किया गया है। 21 मई को बम विस्फोट की चेतावनी दी गई है। धमकी मिली है जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की तरफ से और अब इस धमकी के बाद से तमाम रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस हर आने जाने वाले पर निगाह रख रही है। खबर अभी तक के संवाददाता विकास ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, धमकी भरा पत्र मिलने के बाद कितना चौकस प्रशासन नजर आता है? देखिए आरती, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर ये पत्र जो है मिला है रेलवे स्टेशन मास्टर को। उसके बाद जो है रेलवे स्टेशन पर काफी पुलिस तैनात जो है यहाँ पर कर दी गई है और आसपास जो मतलब जो भी लोग स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं उनकी लगातार चेकिंग भी की जा रही है। जी, तो लगातार चेकिंग की जा रही है। कौन कौन से रेलवे स्टेशन है जिन पर की खास कर माना जाए कि अब पुलिस की चौकसी बढ़ी है? देखिए इसमें जो है हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और उत्तराखंड और भी इसमें स्टेशन जो है कई सारे स्थल इसमें है जो उन्हें सभी को जो है धमकी भरा पत्र मिला है और मुख्यमंत्री को भी इसमें धमकी जो है दी गई है। 23 तारीख को जो एक कार्यक्रम हरिद्वार में बता रहे हैं रखा गया उसको लेकर भी है धमकी पत्र दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विकास आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो धमकी भरा ये खत मिलने के बाद से अब पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। तमाम रेलवे स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों और मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की धमकी भरा ये खत मिला जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और रुड़की रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हर प्रकार की गतिविधि पर पुलिस की नजर है। बता दें बीते शनिवार को रुड़की रेलवे अधीक्षक एसके वर्मा को धमकी भरा खत मिला और पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया। पत्र में रुड़की, नजीबाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं धमकी भरा खत मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही है। ये लेटर आया है रेलवे स्टेशन मास्टर के माध्यम से, किंतु हमारा पुराना अनुभव इस पे रहा है कि ये एक थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब आदमी प्रतीत होता है क्योंकि एक बार नहीं कई बार ऐसे लेटर्स भेज चुका है और पिछले 15-20 साल से इसने कई बार ऐसा किया। फिर भी हम अपनी ओर से वो रहते हैं, कोशिश भी करते हैं कि कहाँ से आया है। देखिए